السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد إنك لعلى خلق عظيم عزیزان گرامی ہر قسم کی حمد ثنا تعریف تمجید اور تسبیح اللہ رب العالمین کی ذات کے لائق ہے لاکھوں درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میرے محترم بھائیو آج جس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے اس موضوع کا تو آپ احباب کو بخوبی علم ہے جمال نبوت صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا لفظ آتا ہے تو جمال خود بخود اس میں آ جاتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ تعالی خود بہت خوبصورت ہے اور رب العالمین خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو نبی اور رسول اللہ کی طرف سے آئے اللہ کا نمائندہ بن کے آئے اس میں جمال اور کمال کی خصال نہ ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مرقع جمال تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا آپ کا بیٹھنا آپ کا چہرے انور آپ کا کسی سے ملنا کئی مجلس کا اہتمام کرنا مجلس کے آداب سکھانا اپنی جو بشری تقاضے کی حاجات ہیں ان کو پورا کرنا ان سب میں جمال ہی جمال تھا اس سے بڑھ کر آپ اس بات کا اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو نوٹ فرمایا ایک ایک ادا کو آگے لوگوں تک منتقل کیا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے
कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक अमल जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा जो है, जमाल का बेहतरीन नमूना थी। इसलिए सहाबाए कराम ने उसको जरूरी समझा कि उम्मत तक इसे मुंतकिल किया जाए। सबसे पहले जो असहाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि आप किन खिसाल से मुत्तसिफ थे, बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनन नास, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन इंसान थे, अजवदन नास सबसे सखी तरीन इंसान थे, सखावत में कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता था, अशजअन नास और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहादुरी के अंदर सबसे बहादुर तरीन इंसान थे, बहादुरी में कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की तरफ अगर आए तो जात में जो सबसे नुमाया चीज है वो इंसान का चेहरा होता है। चेहरे के बारे में असहाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक क्या मनकूल है, उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। सैयदना जाबिर बिन समुरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि 14वीं की चांद की रात थी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुर्ख रंग का जोड़ा ज़ेब्तन किए हुए था, चांद भी चमक रहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक भी चमक रहा था। कहते हैं कि मैं कभी चांद की तरफ देखता और कभी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक की तरफ देखता, और बिलाखिर में इस नतीजे पर पहुंचा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक 14वीं की चांद से ज्यादा चमकदार, ज्यादा हसीन और ज्यादा जमील था। यानी कि 14वीं के चांद की जो चमक है, जो रोशनी है, वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक में जो नूर था, जो नबुवत का नूर था, उसका मुकाबला नहीं कर सकती। अक्सर सहाबा से ये मरवी है कि जब आपके चेहरे का जिक्र आता, अशआर की सूरत में हो या आम रिवायात में जो सहाबा से मनकूल है, कि अक्सर सहाबे किराम जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को 14वीं की चांद की चमक के साथ तशबीह देते। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अनु से भी इस हवाले से एक शेर मरवी है, फरमाते हैं कि लव कुंता मिन शय इन सिवल बशरी, कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप बशर में के अलावा किसी और मखलूक से होते तो आप 14वीं के चमकते चांद की मानित होते, बल्कि आप खुद चांद होते। इसी तरह सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु से भी इसी हवाले से एक शेर मरवी है, फरमाते हैं अमीनुन मुस्तफा लिल खैर यदउ, कि आप सल्लम अमीन है, अल्लाह के चुनी हुई हस्ती है, लिल खैर यदउ जो भलाई की तरफ बुलाती है, कजिया इल बद्र, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा
चौदहवीं के चमकते चांद की तरह है। फी जाबिल दलामी के जब अंधेरा छाता है तो चांद की चमक और तेज हो जाती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अंधेरे में और ज्यादा चमकते थे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की सिफत है जो सहाबा किराम से मरवी है। बाद सहाबा ने तो यहां तक जिक्र फरमाया सूरज से भी तशबीह दी है, कहते हैं कि ऐसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चमकता था जैसे तुलू होता हुआ सूरज चमक रहा। ये तो असहाबे नबी करीम का बयान है कि जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक की तफसील बताई है। किसी ने सुबह तुलू होते हुए सूरज से तशबीह दी है, किसी ने चौदहवीं के चांद से तशबीह दी, किसी ने उससे भी ज्यादा खूबसूरत बतलाया। ये तो असहाबे नबी करीम का बयान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दुश्मन थे, जो काफिर थे, आप सल्लम पर ईमान नहीं रखते थे, वो भी आपका चेहरा देख के पहचान जाते थे कि ये चेहरा किसी झूठे शख्स का नहीं है। क्योंकि अरब के क्या क्या मशहूर था कि अरब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो चंद अलकाबात मशहूर किए हुए थे मुशरिकीन ने, एक ये था कि ये साहिर हैं, जादूगर हैं, दूसरा ये था कि ये कज्जाब हैं, वलायाज़ु बिल्लाह, के झूठ बोलते हैं, नाउज़ु बिल्लाह। अब्दुल्लाह बिन सलाम रजी अल्लाह अन्हु जब इस्लाम लाए हैं, उनकी नजर जब सबसे पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर पड़ती है तो वो कसम उठाकर फरमाते हैं कि कहते हैं कि वल्लाही हाज़ल वज्हु लैसा बिवज्ही कज़्ज़ाब, कि ये जो चेहरा है ये झूठे शख्स का चेहरा नहीं है। अभी उन्होंने कोई बात नहीं की, कोई सवाल नहीं पूछा, कोई दलील नहीं मांगी, सिर्फ चेहरे मुबारक पर नजर पड़ती है तो कहते हैं वल्लाही हाज़ल वज्हु लैसा बिवज्हि कज़्ज़ाब, कि ये चेहरा किसी झूठे शख्स का चेहरा नहीं है। अभी रमसा सहाबी जलील हैं, वो भी इस्लाम लाने से पहले कहते हैं मैं अपने फर्जंद के हमरा, बेटे के हमरा मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाया। मदीने में आते ही जब मेरी पहली नजर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर पड़ी तो कहते हैं मैंने देखते ही अपने बेटे से यह कहा कि हाजा वल्लाहि ला रसूलुल्लाह, कि अल्लाह की कसम ये जो चेहरा है ये तो वाकई ही रसूल का चेहरा है, ये वाकई ही अल्लाह का नुमाइंदा है, ये वाकई अल्लाह का नबी है, और किसी तस्दीक की जरूरत नहीं है, चेहरा ही सबसे बड़ी तस्दीक। उम्मे माबज रजी अल्लाह अन्हा का वाकया आपकी नजर से गुजरा होगा, सुना भी होगा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने की तरफ तशरीफ ला रहे थे, रास्ते में खाने की तलब हुई, एक खेमे पर गए, वहां एक खातून थी उम्मे माबज के नाम से, उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ खाने के लिए मांगा तो कहने लगी और तो कुछ नहीं है, बस एक लागर बकरी खड़ी हुई है जिसका दूध भी सूख चुका है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो बकरी मेरे पास लाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जैसे ही थनों को हाथ लगाया तो सैयदना अबू बकर फरमाते हैं कि उसके थन ऐसे भर गए जैसे एक दूध मुकम्मल देती हुई बकरी के थन। ये अल्लाह के रसूल सल्लम का मौजूदा था। आप सल्लम ने उसका दूध दोहा, खुद पिया, सैयदना अबू बकर को पिलाया, उम्मे माबद को पिलाया, फिर इतना दूध बच गया कि उनको आप सल्लम ने कहा कि ये रख लें आप कि शोहर आ जाए उन्हें पिला दूंगा। तो जब उनके शोहर घर पर आए उन्होंने ये माजरा देखा, बड़े हैरान हुए, तो उम्मे माबद ने फिर सारा वाकया बयान किया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल का इतना प्यारा नक्शा खींचा, आपकी बात करने के अंदाज का इतना प्यारा नक्शा खींचा
कि उनके जो शोहर थे उम्मे माबत के, वो कहने लगे कि वल्लाह इन्ना हाजा लसाहिब कुरैश, कि ये जो तुम सिफात बयान कर रही हो, इतनी जमाल, इतने हुसन, इतना बात करने का सलीका, इतनी बरकत वाली शख्सियत, तो इन्ना हाजा लसाहिब कुरैश, ये तो वही शख्स है जिनके पीछे कुरैश पड़े हुए हैं। और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान करदा वस्फ से इतना मुतासिर हुए कहने लगे कि मैं इनसे जरूर मिलूंगा और इनके हाथ पर ईमान लेकर आऊंगा। सिर्फ तज़किरा सुन के, देखा नहीं, उम्मे माबत की जबान से। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सच्चाई वाला चेहरा था, रूए जमीन पर सबसे खूबसूरत चेहरा था, रूए जमीन पर सबसे सच्चे इंसान थे। इसलिए दुश्मनों ने भी यह लकब दिया हुआ था कि सादिक हैं, अमीन है, आपके फैसले पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के अलावा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शमाइल की कुतुब में हाथों का बयान आता है, सहाबा किराम फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेलियों को हाथ लगाते थे तो वो रेशम से ज्यादा हमें नरम महसूस होती थी। इतना नरम रेशम भी नहीं होता जितना नरम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथ की हथेलियां हुआ करती थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों मुबारक का जहां बयान आता है तो आंखों में जो सबसे खूबसूरत आंखें होती हैं, सहाबा फरमाते हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुआ करती थी। सुरमगी आंखें, स्याह आंखें, ना इंतहाई ज्यादा छोटी ना इंतहाई ज्यादा बड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पलकें थी उनके बारे में सहाबा किराम फरमाते हैं कि इंतहाई नरम और दराज हुआ करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों, पलकों और इसके अलावा आपके पसीने तक का तज़किरा किया है सहाबा किराम ने। इससे आप अंदाजा लगाएं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमाल की क्या कैफियत थी। सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा से एक रिवायत मरवी है, फरमाती हैं कि एक दिन मैं घर में अपना काम अंजाम दे रही थी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से अपने जूते टूट गए थे, उन्हें जो है सी रहे थे। इस दौरान कहती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर मेरी नजर पड़ी तो देखा कि माथे से जो पसीना टपक रहा है। फरमाती हैं कि वो कबरीक, उसके पसीने के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ऐसी रोशनी और ऐसा चमक और ऐसा नूर मुझे नजर आया कि मैं देखकर उसे मभूत हो गई, हैरान हो गई कि इतना नूरानी पसीना। तो फरमाती है मैं देखती ही रह गई। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेरी तरफ देखा तो कहा कि आयशा, तुम्हें किस चीज ने मभूत किया हुआ है, क्यों हैरान हो, क्यों परेशान? तो फरमाती हैं कि मैं अल्लाह के रसूल, मैं जब आपके चेहरे की तरफ देख रही हूं तो आपके चेहरे से जो पसीना टपक रहा है, इस पसीने से नूर निकल रहा है। तो ये देखते हुए मुझे ये अभी कबीर हुज़ली का वो शेर याद आ जाता है,
कि कहती है कि अगर वो अभी कबीर हुजली जिंदा होता, एक जाहिली शायर था, उसने एक शेर कहा था हुस्न और जमाल की सिफ्त में। कहती है कि अगर वो जिंदा होता आज, तो उसके शेर का मिज़दाक आपसे बढ़कर कोई और नहीं था। फिर वो अल्लाह के रसूल को वो शेर पढ़कर सुनाती है, जिसमें ये है कि मेरे ममदूह जो है हर किस्म की कमजोरी से, कोताही से, हर किस्म के इंसान को जो अयूब लाहिक होते हैं उनसे पाक है। गोया के ऐसी जिया फिशानी है उसके चेहरे पर कि जैसा कि चांद हो। असहाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना आप सल्लम को आता, तो हम उस पसीने को जब सूंघते तो उस पसीने की जो खुशबू है वो कस्तूरी की खुशबू से बढ़कर हुआ करती थी हमारे लिए। और बल्कि बाद सहाबे किराम उस पसीने को जमा भी कर लिया करते थे, जैसे उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा से वारिद है। वो कहती है कि एक दफा रसूलुल्लाह मेरे घर पे तशरीफ लाए, तो जब आप सल्लम लेटे हुए थे चारपाई पर, तो पसीना आपका नीचे टपक रहा था, तो मैंने कोई बर्तन नीचे रख दिया, उसमें पसीना जमा किया। फिर फरमाती है मैं जब पसीने में थोड़ी खुशबू मिलाती तो अल्लाह के रसूल सल्लम के पसीने की खुशबू दूसरी खुशबू से ज्यादा होती थी। अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर किस्म के ऐब से, वो खिलकती ऐब हो या खुलकी ऐब हो, अखलाक से उसका ताल्लुक हो या जिस्मानी हैयत और बिनावट से ताल्लुक हो, अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर उस ऐब से पाक रखा। इसलिए जैसे मेरे भाई ने शुरू में तारुफ में हसान बिन साबित का शेर पढ़ा था कि अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आईनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ, कि आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंख ने देखा नहीं, व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ, और आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी मां ने जना नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक अमल हुस्न और जमाल का एक मुरक्का था। आपका आप मजलिस जब बैठी होती थी उसका आप अंदाज देखें, अला वजहिल अर्ज सबसे खूबसूरत तरीन मजलिस रसूल करीम की होती थी। सैयदना अली फरमाते हैं कि ला तुबनु फीहिल हुरम, ऐसी मजलिस जिसमें लोगों की इज्जतें नहीं उछाली जाती थी। हम बैठते हैं उसमें महबूब तरीन टॉपिक जो होता है वो किसी की गीबत करना, किसी की इज्जत पर बात करना, किसी को रुसवा करना। सैयदना अली बिन अबी तालिब फरमाते हैं कि ला तुबनु फीहिल हुरम, वहां इज्जतें नहीं पामाल होती थी। अखलाक का बेहतरीन नमूना होती थी। मजलिसु इल्मिन व हिल्म, इल्म की मजलिस होती थी। मोती टपकते थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से, और अल्लाह के रसूल की मजलिस में बैठने वालों की यह कैफियत होती थी का अन्ना अला रुसिहिम तुयूर, ऐसा कि जैसा कि उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं, अगर सर हिला दें तो परिंदे उड़ जाए, ऐसा अदब था सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आंख उठा के रसूलुल्लाह सल्लम की आंख में आंख नहीं डालते थे, अदब का तकाजा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात करते फरमाते, सैयद आयशा फरमाती लो हद्दस हदीसन,
कोई बात बयान करते और अगर उस बात के अल्फाज को कोई शख्स शुमार करना चाहता, लअहसाहू, वो आपके अल्फाज गिन सकता था कि कितने अल्फाज आप सल्लम ने कहे, इतनी पुरवकार गुफ्तगू होती थी। इजा तकल्लमा आदहू सलासन, बात करते बात को तीन दफा दोहराते ताकि सुनने वाला समझ जाए बात को, मुख्तसर बात करते। आप फरमाते हैं खुद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साबिका नबियों पर मुझे चंद चीजों पर फजीलत दी गई है, उनमें एक चीज यह है कि उतीतु बिजवामिल कलिम, मुझे जामे तरीन कलिमात अता किए गए हैं। एक जुमला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे, उसमें हजारों लाखों माना और मफाहिम निकलते थे उसमें, गोया के एक समंदर को एक कूजे में बंद कर दिया करते थे। सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान, मिन हुस्न इस्लामिल मरई तरकुहु मा ला यानी, के एक मुसलमान के बेहतरीन मुसलमान होने की अलामत यह है कि वो हर उस चीज, हर उस बात, हर उस मामले को छोड़ दे जिससे उसका वास्ता नहीं है। कितनी जामे बात है, कितनी मुख्तसर बात है, हमारी जिंदगी के कितने मसाइल हल हो जाते हैं, कितने झगड़े खत्म हो जाए। मिन हुस्न इस्लामिल मरई तरकुहु माला यानी, कि मुसलमान के बेहतरीन मुसलमान होने की यह अलामत है कि हर उस चीज को छोड़ दे जिससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जब हम अपनी गुफ्तगू को, मेरे भाइयों, ये बात, ये जो हम जमाल मुस्तफा रहमतुल आलमीन की सिफात बयान कर रहे हैं मेरे भाइयों, तो इस बयान करने का सिर्फ मकसद सुनना नहीं है, मकसद यह है कि लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, रसूलुल्लाह में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन जिंदगी गुजारना चाहते हो, बेहतरीन कायद बनना चाहते हो, बेहतरीन वालिद बनना चाहते हो, बेहतरीन शोहर बनना चाहते हो, बेहतरीन मुक्तदी बनना चाहते हो, हर हर अदा में लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना बेहतरीन नमूना है। उसके बाद कोई बेहतरी नहीं है, उसके बाद कोई जमाल नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करने का अंदाज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैठने का अंदाज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हाथ मिलाते, आप देखेंगे कितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग मुतासिर होते थे। सिर्फ आप सल्लम, साहबा फरमाते जब किसी से हाथ मिलाते थे तो उससे हाथ उस वक्त तक वापस नहीं खींचते थे जब तक मिलाने वाला खुद वापस हाथ ना खींच ले, इतना इकराम देते थे उसको, इतना एहतराम देते थे। साहबा फरमाते हैं अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर हैबत और वकार डाला हुआ था, जब हम दूर से देखते थे तो दिल में थोड़ा सा खौफ पैदा हो जाता था, हैबत तारी हो जाती थी। और आप सदम खुद फरमाते हैं नुसीतु बिर्रुह, अल्लाह ने मेरी शख्सियत में रौब पैदा किया है। तो साहबा फरमाते जब हम दूर से देखते थे तो रौब तारी होता था, लेकिन जब जाकर मिलते थे तो उसके बाद हमें ऐसे लगता था कि रसूलुल्लाह सल्लम से करीम, शफीक, मेहरबान, दुख दर्द सुनने वाला कोई और शख्सियत नहीं, इतना हम मुतासिर होते थे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलने का अंदाज होता था। साहबा फरमाते हैं कि अगर कोई पीछे से आवाज लगाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्दन घुमा के नहीं देखते थे, बल्कि पूरा पलट के उसकी तरफ रुख करके देखते थे, क्योंकि गर्दन घुमाने के अंदर एक लापरवाही का शायबा आता है कि यार मेरी तरफ सही तवज्जो नहीं की गई,
दूसरा इसमें तकब्बुर का शायबा आता है कि यार बड़ा आदमी है, सही तरह से देखा भी नहीं। इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, आप ये तफसीर है सही इसकी कि अल्लाह के नबी आप अखलाक के आला दर्जे पर फाइज हैं। तो फरमाते हैं जब अगर कोई पीछे से आवाज लगा देता तो आप सलम गर्दन घुमा के नहीं, पूरा पलट के रुख करके उसकी तरफ देखते, उसकी बात को सुनते, ताकि कोई सुनने वाला देखने वाला ये ना समझे कि मुझे अहमियत नहीं दी गई, या ये ना समझे कि नबी सलम से नाउज बिल्ला कोई तकब्बुर हो गया। नहीं, ये आप सलम का मिलने का अंदाज था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चलने का अंदाज है, सहाबा फरमाते ऐसा चला करते थे कि गोया किसी बुलंद जगह से नीचे की ढलान की तरफ उतर रहे हैं, दाएं और बाएं झांकते हुए नहीं जाते थे, नजरें नीचे होती थी, सीधा चलते थे और बिल्कुल सुस्ती से भी नहीं चलते थे कि जैसे अमूम बीमार इंसान चलता है, और ना इंतहाई तेज चलते थे, बल्कि एतदाल था, मयाना रवि थी, ऐसे चलते जैसे किसी ढलान से नीचे उतर रहे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने का अंदाज था। बात करने का अंदाज आपको पता चल गया। मजलिस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि जो भी मजलिस दुआ के बगैर, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस की सिखाई है, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, ये दो दुआ है। आप सल्लम फरमाया करते थे जो मजलिस अल्लाह की हम्द के बगैर खत्म होती है, तो वो मजलिस ऐसा ही है कैसे जैसे कि कोई इंसान किसी मुर्दार गधे के गोश्त के ऊपर से उठा हो। मजलिस के आदाब सिखाते, लेकिन आदाब में भी ऐसा एतदाल रखते कि एक दफा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, सहाबा खड़े हो गए, आप सल्लम ने फरमाया कि मुझ पर इस तरह नहीं खड़े हुआ करो जैसा कि अजम के बादशाहों के सामने उनके पैरोकार खड़े होते हैं। मतलब आप तवाजो देखें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मेरे सामने ऐसे ना खड़े हो जैसे अजम के बादशाहों के सामने उनके पैरोकार खड़े होते हैं। ये आप सल्लम की मोहब्बत और उखुवत साहबा के साथ, कि जो आप सल्लम ने ये दर्स दिया कि ला फजल अली अरबी अला अजमी, कि अरबी को अजमी को कोई फजल नहीं है, फजीलत नहीं है, इल्ला बित्तक्वा, अमली तौर पर अल्लाह के रसूल ने यह करके दिखाया कि अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं है सिवाय तक्वा के। तो मेरे भाइयों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की सबसे अजीम तरीन, सबसे बेहतरीन जात थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा के अंदर रहमत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा के अंदर खूबसूरती थी। इसलिए आज अगर हम अपने माशरों को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज को अपनाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस कैसा हुआ करती थी, ऐसी मजालिस हमारी होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करने का अंदाज कैसा था, ऐसा अंदाज होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलने का अंदाज कैसा था, हम मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, लेकिन दिल नहीं मिलते। दिल क्यों नहीं मिलते, क्योंकि दिल के अंदर वो तवाज़ो नहीं है जो रसूलुल्लाह सल्लम के अंदर थी। दिल के अंदर दूसरे की वो एहतराम नहीं है जो कि रसूलुल्लाह सल्लम अपने सहाबा का किया करते थे। जरीर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिला, अल्लाह के रसूल मुझसे मुस्कुरा कर मिले, मुझे देखते, दूर से मुझे देखते आप सल्लम मुस्कुराना शुरू हो जाते हैं। इसमें उल्फत पैदा होती है, मोहब्बत पैदा होती है,
अगर आज हम अपने माशरे को, अपनी शख्सियत को खूबसूरत बनाना चाहते हैं मेरे भाइयों, तो उसका रास्ता सिर्फ यही है, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। आपकी आदत को अपनाएं, आपके बालों का अंदाज कैसा था, आपका मिलने का अंदाज कैसा था, आपके बैठने का अंदाज कैसा था, आपके खाना खाने का अंदाज कैसा था, ये अंदाज हम इख्तियार करेंगे तो हमारी तबीयतों में वकार पैदा होगा, दूसरों का एहतराम पैदा होगा, लोग हमारे किरदार को देखकर जो है हक की तरफ आएंगे, तौहीद को इख्तियार करेंगे, सुन्नत को इख्तियार करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को मुकम्मल तौर पर अपनाने और इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। इन्नहु वलीउ तौफीक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।